जितना मांझी का क्या वजूद, जितना मांझी मुख्यमंत्री भी थे, दलितों के लिए उन्होंने कौन कैसा काम करने का काम किया है? आज तो है जा रहे हैं, क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट बनवाया है क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? ये सिर्फ कुर्सी कुमार के तरह यह है, कुर्सी की बात करते हैं। दलित कहाँ जाएगा, दलित के क्या होगा, दलित का उत्थान कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएगा, उसकी बात उनके पास नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। सर, एक तरफ जहां दलितों को एक तरफ गुलबंद किया जा रहा है, उस बीच जितना मांझी चले जाते हैं, कितना असर पड़ता है? आप भी उसी समुदाय से आते हैं, क्या लगता है? जितना मांझी का क्या वजूद है? जितना मांझी मुख्यमंत्री भी थे, दलितों के लिए उन्होंने कौन कैसा काम करने का काम किया है? आज तो है जा रहे हैं, क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट बनवाया है क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि दलितों का कट ऑफ मार्क्स, बैकलॉग, प्रोन्नति में आरक्षण, 200 रोस्टर उच्च शिक्षा में बहाली, ये तमाम जो है कि हम दलितों का जो आरक्षण था, शक्ति था, ताकत थी, इसको ख़त्म कर दिया गया, ऐसे क्या ये डिमांड को मांग करेंगे क्या? ये शर्त है उनका क्या? तो जितना मांझी जी के चले जाने से पूरी बिहार के दलित इस चीज़ को समझ रही है कि जितना मांझी का क्या है, ये सिर्फ कुर्सी कुमार के तरह यह है, कुर्सी की बात करते हैं। दलित कहाँ जाएगा, दलित के क्या होगा, दलित का उत्थान कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएगा, उसकी बात उनके पास नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इस देश में दो ही नेता राज में हैं, एक रामविलास पासवान जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं और दूसरा जितन राम मांझी जी हैं वहीं पर काम करते हैं। तो दलित क्या, उससे उनके जाने आने से कोई दलित में कहीं कुछ नहीं है। दलित सभी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय पर विश्वास करती है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को CM बनाने के लिए पूरे बिहार का दलित एक तत्पर है और इनको जो है कि तेजस्वी यादव को CM बनाया जाए। सर, उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं कि वहाँ किसी का चलता नहीं है महागठबंधन में, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी मन की बात करते हैं? तो हमारा नहीं, अगर महागठबंधन में नहीं चलता है तो तीनों को कैसे है, क्या है? हाँ। क्या शक्ति है हम पार्टी की, क्या ताकत है? एक आपका जो है कि एक MLA, आप अकेले एक MLA है, MLC आपको बना दिया गया, आप मान के चलिए कि आप क्या हैं? आपको 3 को लोकसभा में सीट दे दिया गया, रालोसपा को सीट दे दी गई, VIP को सीट दे दी गई, कांग्रेस के सीट दे गई, महागठबंधन में ही और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी है जो सबको सम्मान करते हैं, सबसे पूछ की बात करते हैं, सबको गले लगाते हैं, बैठाते हैं, एक एक मुद्दा पर बात करने वाला कोई देश में कोई पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल और जिसके नेता लालू यादव और जिसके जो कि उनके आधार पर काम करने वाले हमारे नेता युवा नेता तेजस्वी यादव है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह क्या लगता है, मान गए हैं क्या लगातार जो आप नहीं देख रहे? रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक हैं और जिस तरीका से कहने का मतलब कि हमारे अभिभावक या तेजस्वी यादव का अभिभावक लालू प्रसाद यादव हैं, उस तरीका से हमारे और तेजस्वी यादव जी का अभिभावक रघुवंश बाबू हैं। रघुवंश बाबू कहीं डोलने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं, वो सामाजिक न्याय के लोग हैं और लोगों की तरह जितन राम मांझी की तरह पद के लोभी रघुवंश बाबू नहीं हैं। रघुवंश बाबू को मान सम्मान मिल रहा है, मिलता रहेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई तरह के नहीं है। वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। हम रघुवंश बाबू के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी रघुवंश बाबू के नेतृत्व में काम करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ कन्हैया कुमार आ गए हैं, विपक्ष कर रही है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं कि कहने कहीं तेजस्वी को मात दे देंगे वो। अरे भाई, कहने का मतलब कौन मात देगा कौन नहीं देगा, पहले ये तो BJP और कहीं कोई JDU अपने में फड़िया न ले कि कौन मुख्यमंत्री का है, क्या घमासान नहीं है क्या? हाँ। अब जो BJP का जो सीट था पहले से जो कि परंपरागत आ रहा है, वो सीट को JDU जबरदस्ती करेगी, हम उसकी उस सीट को लेंगे, वो तो क्लियर। तो ऐसे परिस्थिति में कहने का मतलब कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ है। देखिए ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। सीट शेयरिंग को लेकर सर आप लोग भी अभी पत्ता खोल नहीं रहे हैं? नहीं, अब जहाँ भी महागठबंधन की है सारी बातें चल रही है, सब कुछ हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व इस पर काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, JDU कह रही है कि बैरिकेडिंग हटाएंगे, अब भगदड़ मच जाएगा RJD में। अरे कुछ नहीं कहने का मतलब कि भगदड़ मचेगा, जो भीड़ हमारे यहाँ है, जितने कैंडिडेट हमारे यहाँ JDU के पास है क्या, BJP के पास है, वो तो लिमिटेड है। हमारे यहाँ तो अथाह है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दबे कुचले सोचतों की पार्टी है, इसलिए ये मत बदिए कह गए यहाँ जो मार्केटिंग हटाया गया करेगा। अरे आप सोचिए, हम 15 साल सत्ता से बाहर रहे हैं, फिर भी बिहार की जनता हमको सलाखों पर बैठाई है। आप हट जाइएगा मुख्यमंत्री जी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी तैयारी कैसी है सर? हमारी तैयारी पूरी है, मजबूत है,
और निश्चित रूप से जो है हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।